नमस्कार साथियों, मैं सौम्या पुनिया किंगडम में आपका फिर से स्वागत करती हूं। तो आज की टीचर्स डे की थीम है, ये देख लीजिए, ये है फाइनल रिजल्ट, जो कि आज की इस वीडियो में मैं इसका पूरा जो ट्यूटोरियल है वो आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपके घर में छोटा बेबी है और आप चाहते हैं उसका टीचर्स डे की थीम पे उसका फ़ोटो शूट करना, तो हमारे साथ बने रहें। देखिए, सबसे पहले जितने भी कलरफुल दुपट्टाज हैं आपके पास, मेरे पास ये प्योर शिफॉन के दुपट्टा पड़े थे तो इनको मैंने ले लिया है। आप अपनी पसंद के कोई भी वाइब्रेंट कलर्स के जो दुपट्टाज हैं वो इसके लिए चूज़ कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखें, एक कोई लाइट हो, कोई वाइब्रेंट हो। ज़्यादा वाइब्रेंट रहेंगे तो ज़्यादा खिलके कलर आएंगे। मैंने एक ब्लैक कपड़े को पूरे बेड पर बिछा लिया है और उसके ऊपर मैं जो ये अलग अलग कलर्स के जो दुपट्टाज हैं इनको लगा रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ। एक रेनबो टाइप जो आपको स्ट्रक्चर है आर्क शेप में, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट करना है। पेशेंटली आप करते जाएंगे, टाइम तो लगता है चीज़ों में, लेकिन पेशेंटली आप करते जाएंगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता, अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा हो तो। तो बस यही है, अलमारी में ऐसे दुपट्टे निकालिए और जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे। मैं यहाँ पर क्या है, पेंसिल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थीम ली है रेनबो की और यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के मैंने सेम रेनबो वाले कलर्स नहीं लिए हैं, जस्ट रैंडम पिक कर लिए हैं और कलरफुल चुनियों से यहाँ पर मैं जो है ये पेंसिल को डेकोरेट करती जा रही हूँ। आर्क शेप में आपको क्या है, इसको बनाना है तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। आप स्ट्रेट भी बना सकते हो, बट आर्क शेप में अगर हम देते हैं कोई चीज़ तो ज़्यादा सुंदर लगती है वो जब टॉप पर होती है। तो ये मैंने हल्का सा आर्क दे दिया है यहाँ पर और ये मैंने पेंसिल की नोक भी बना दी है, देख लीजिए। मेरे पास कोई कपड़ा पड़ा था वेस्ट, तो मैंने उससे ये आगे पेंसिल का भाग बना दिया और आगे इस पे छोटा सा ब्लैक कलर का कपड़ा लगा दिया, तो ये आगे बिल्कुल जो पेंसिल की नोक होती है वैसे बन गई। अब हम बना रहे हैं स्कूल जाने के लिए बच्चों की बाल वाहिनी, यानी कि स्कूल बस। तो स्कूल बस बनाने के लिए मैंने सिर्फ अपना प्लाजो पैंट लिया है और उसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है कि वो थोड़ी सी बस की शेप में लगे। तो ये जितने भी सामान मेरे पास अवेलेबल थे उन्हीं को मैंने जुगाड़ करके बनाया और ये वाइट कलर की चूड़ियाँ थी मेरे पास, इनके मैंने टायर बना दिए हैं और पेपर से जो हैं बस के जो शीशा है वो और खिड़कियाँ वगैरह बना दी हैं। और कुछ डेकोरेटिव भी आप हो सकते थे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है। जल्दी जल्दी में मैंने इसको बनाया है कि कितना क्रिएटिव आप हो सकते हो ये तो कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। तो ये भाई पेंट भी कर दिया है बस के, है ना। तो ये यहाँ पर ब्लैक कलर की डोरी से मैंने इसको थोड़ा सा अच्छा शेप देने की कोशिश की है, ताकि जो खिड़कियों के नीचे जो होता है ना ब्लैक कलर का रबर सा लगा होता है वो लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। तो ये बच्चों की, आओ बच्चों स्कूल चलें, स्कूल बस जो है वो रेडी हो गई है। अब स्कूल बस तो रेडी हो गई है, स्कूल कहाँ है, बच्चे स्कूल जाएँगे कहाँ। तो चलिए, फिर से मैंने अपना प्लाजो पैंट लिया है और इसे हम स्कूल की बिल्डिंग जो है वो तैयार करेंगे। मैंने येलो और रेड का कॉम्बिनेशन रखा है, आप कोई भी कॉम्बिनेशन जो है अपने पसंद का ले सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने स्कूल बनाने की कोशिश की है, आप की मर्ज़ी है, आप जितना क्रिएटिव हो सकते हो उतना आप अपने डिज़ाइन के साथ में कर सकते हैं। तो ये मैंने कल रात में बनाया है इसको और अब भी सुबह जो है मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ। तो देख लीजिए, जितना भी मुझसे हुआ मैंने कोशिश की। यहाँ पर मैंने वेलकम लिख दिया है स्कूल के गेट पे और ऊपर बोर्ड लगा दिया है स्कूल का। तो ये भाई बस भी तैयार है, स्कूल भी रेडी हो गया है बच्चों का। अब क्या करें, क्या क्या करें, स्कूल बैग तैयार करो, बच्चे जाएंगे स्कूल तो स्कूल बैग भी तो होना चाहिए ना बच्चों के पास में, पढ़ाई किससे करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारे बेबी के लिए स्कूल बैग तैयार करते हैं। फिर से मैंने प्लाजो पैंट लिया है और यहाँ पर इसके पीछे हैंडल्स लगाने के लिए जो है मैंने ब्राउन कलर के जो कपड़े थे मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थे वो मैंने यूज़ कर लिए। अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो आप उसकी जो पजामाज होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो हर घर में अवेलेबल हो जाती हैं, हमारे पास होती हैं, उन्हीं कपड़ों से ले दे के मैंने घुमा फिरा के जो है ये बैग का मैंने हैंडल बना दिया है। दो पीछे वाले जो है टांगने वाले स्ट्रैप्स थे और ये बीच वाला जो ऊपर वाला होता है पकड़ने वाला ये पॉकेट है भाई, है ना। और दो नीचे छोटी छोटी पॉकेट्स और लगाएंगे, हम बैग को पूरा डिज़ाइनर बैग बनाएंगे। तो देखिए प्लाजो पैंट से हमारा बहुत ही सुंदर जो बैग है वो तैयार हो गया है। अब हमें बनाना है ब्लैक बोर्ड।
तो मैंने ये सिर्फ साड़ी का जो फॉल होता है वो पड़ा था मेरे पास, पुरानी साड़ी का, तो मैंने उससे लिया है। आप कोई दुपट्टा से भी बना सकते हो, ये मेरे पास पड़ा था तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा इजी रहेगा ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए, तो मैंने इसका यूज़ किया है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक मैंने कपड़ा बिछा रखा था तो मुझे एक्स्ट्रा ब्लैक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप अगर जो बेस है वो कोई और कलर का रखते हैं तो आप ब्लैक कपड़े से भी जो ब्लैक बोर्ड है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शेप दे दी है ब्लैक बोर्ड की, और अब यहाँ पर मैंने हैप्पी टीचर्स डे की कटिंग्स जो हैं वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। उसमें मैंने येलो कलर करके और ब्लैक कलर से आउटलाइन कर दी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। अगर आपके पास बच्चे के खिलौने में अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो हो तो आप उसको प्लेस कर सकते हैं, और भी अच्छा लुक आएगा। हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है नहीं तो मेरे पास वो कोई ख़ास खिलौने वगैरह है नहीं, वरना आप अपने बच्चे के खिलौने जो आते हैं अल्फ़ाबेट शेप्स वाले उनसे भी ये लिख सकते हो। कुछ भी क्रिएटिव हो सकते हो, आप अपने बेबी का नेम लिख सकते हो ब्लैक बोर्ड के अंदर। अब ये बना रही हूँ मैं कैंडल, है ना। कैंडल क्यों बना रही हो आप बताओ? बचपन में सुना ही होगा, एक शिक्षक एक मोमबत्ती के समान होता है जो स्वयं जलकर अपने विद्यार्थियों के जीवन को क्या करता है, रोशनी प्रदान करता है, या उसको जो लाइट प्रदान करता है। तो इसलिए मैंने मोमबत्ती भी दी है। तो ये देख लीजिए, बाकी जो भी स्टेशनरी आइटम्स मेरे पास पड़े थे उनसे मैंने रैंडम डिज़ाइंस बना दिए हैं। और ये रात को मैंने वीडियो शूट किया था, बनाया था, तो थोड़ी सी हो सकता है मेरी शेडो जो है वो आपको कहीं कहीं पे नज़र आए, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये मैंने अपने लिटरेचर की बुक्स यहाँ पे रख दी हैं, तो जो भी आपके पास अगर आपके छोटे बच्चों की कोई प्राइमरी स्कूल की बुक्स हो तो वो देख लीजिए। अब देख लीजिए, कैंडल भी बहुत प्यारा बना है, पेंसिल भी बहुत सुंदर बनी है, और यहाँ पर बीच में आप अपने बच्चे को बैठा सकते हो, लिटा सकते हो। मैंने ये टेडी बियर रख दिया है, और ये फाइनल लुक देखिए। एक माँ एक बच्चे की पहली टीचर होती है, और अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप अपने बच्चे के लिए ये स्कूल थीम जो है वो बिल्कुल इस टीचर्स डे पे बनाएं। और सभी माताओं को पुण्य किंगडम की तरफ से टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। वाकई में एक माँ जो है वो अपने बच्चे की पहली टीचर होती है, और वही उसके संस्कारों की नींव रखती है। तो सभी माताओं और बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, और आप यूं ही अपने बच्चों को गाइड करती रहें, उनके जीवन में उनका सबसे पहला जो शिक्षक हैं वो बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त होता रहे। तो बस यही थीम थी, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थीम के साथ में। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपको आज की थीम हमारी कैसी लगी। तो ये देख लीजिए, ये टॉप लुक है, पेंसिल कितनी प्यारी लग रही है, कैंडल भी अच्छी लग रही हैं, ब्लैक बोर्ड, स्कूल बैग एंड वैन, स्कूल वैन, सब परफेक्ट बने हैं। आप इसमें अल्ट्रेशन भी कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिक सा एक रफ आइडिया जो है वो मैंने आपको दे दिया है, और आई होप आपको पसंद आए, और आप अपने बच्चे का ये टीचर्स डे जो है वो खास इस तरीके से बना सकते हैं।